गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारे सामने खड़ी है 2024 की अपडेटेड अपनी टोयोटा इनोवा क्रिस्टा, और ये जो हमारे सामने वेरिएंट है वो है आपका वी एक्स वेरिएंट हमारे सामने खड़ा हुआ है। टॉप से जस्ट एक नीचे वाला वेरिएंट हमारे सामने खड़ा हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम जो इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, सारी चीजों के बारे में आपको बताने वाला हूँ, इसकी एक शोरूम ऑनर कॉस्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस चाबी के बारे में। ये है इसकी चाबी, ठीक है। पीछे की तरफ आपको इनोवा लिखा हुआ देखने को मिल जाता है, आगे आपको दो बटन, ठीक है। लॉक अनलॉक करने पर आपके जो ORVMs है वो फोल्ड अनफोल्ड नहीं होते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसके आगे की लुक की, तो आपको कुछ इस तरीके का आगे का लुक देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको टोयोटा लिखा हुआ देखने को मिलेगा बड़ा बड़ा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्रोम का ट्रीटमेंट क्रिस्टा 3D में लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फिर से आपको क्रोम का ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा। ग्लॉस ब्लैक फिनिश में अपनी ग्रिल आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ हेडलाइट की, तो यहाँ पे आपको मिलेगी लो बीम और उसके बाद मिलेगी हाई बीम। लो बीम में अपना HID ब्लास्टर देखने को मिलेगा ब्लू कलर का, ठीक है। व्हाइट लाइट आपको देखने को मिलती है। उसके बाद हेलोजन का आपको हाई बीम देखने को मिलेगी और चार डॉट देखने को मिलेंगे DRL के। ये DRL नहीं है, ये अपना नॉर्मल एक पार्किंग लाइट जो होती है ना, वो इस तरीके से यहाँ पे चार डॉट दे रखे हैं। उसके बाद नीचे की तरफ जब आएंगे तो आपको मिलेगी फॉग लाइट, उसके बगल में मिलेगा इंडिकेटर, आगे की तरफ दो पार्किंग सेंसर, उसके बाद नंबर प्लेट की प्लेसमेंट आपकी यहाँ पे हो जाएगी। उसके नीचे आपको क्रिस्टल लिखा हुआ देखने को मिलेगा। टोइंग हुक के ऑप्शन की बात करी जाए तो वो आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। ये देख रहे नीचे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। आते हैं साइड प्रोफाइल पे, तो कुछ इस तरीके की साइड प्रोफाइल आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। बहुत ही लंबी गाड़ी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे अगर आपके टायर साइज की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 17 इंच का टायर। तो मैं आपको टायर साइज चेकआउट कराता हूँ तो वो आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ब्रिजस्टोन का टायर देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर टायर साइज की बात करी जाए तो वो है आपका 16 इंच का यहाँ पे आपको टायर देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको डायमंड कट अलॉय व्हील देखने को मिलेंगे, 5 नट वाला आपको यहाँ पे अलॉय देखने को मिल जाता है। उसके बाद बात करी जाए तो क्रोम की पट्टी आपको यहाँ से को पैसेंजर साइड या ड्राइवर साइड दोनों ही तरफ देखने को मिलेगी, जो पीछे तक जाती है देखने को मिल जाएगी। उसके बाद अगर बात करें तो अपने ORVM के ऊपर आपको क्रोम का ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आपको इस तरीके से LED इंडिकेटर देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ आपको पटल लैंप भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करी जाए तो यहाँ पे आपको मिलेगा इस तरीके से क्रोम का डोर हैंडल, यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट बटन भी देखने को मिलेगा लॉक करने के लिए और अनलॉक करने के लिए, ठीक है। इस तरीके से लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए तो आधी गाड़ी जो बीच का जो सेंटर का पार्ट है ना, वो आपको ब्लैक डाउट देखने को मिलेगा। ये चीज़ आपकी ब्लैक डाउट है, ये भी आपका ब्लैक डाउट है, ये चीज़ भी आपकी ब्लैक डाउट है। उसके बाद अगर मैं शीशों की बात करूँ तो ये आपको जो है अपने UV कट टाइप के देखने को मिलेंगे, यानी कि ग्रीन कट में आपको देखने को मिल जाते हैं। थर्ड रो को एक्सेस करने के लिए 8 सीटर वेरिएंट है, 1, 2 बीच में 3 पीछे भी 3, तो 3 और 3 6 और 7 8 इस तरीके से इसकी सीटिंग कैपेसिटी है। अगर इसको टॉपल करना है तो ऑप्शन आपका यहाँ पे रहने वाला है, इस तरीके से आप इसको टॉपल कर सकते हैं। आपका थर्ड रो का एक्सेस बन गया। पीछे भी आपको एक और थर्ड हेडरेस्ट देखने को मिलेगा, वो भी आपका एडजस्टेबल रहता है, तीनों ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। स्पेस की बात करिए ठीक ठाक आपको यहाँ पे स्पेस देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से आप सीट को वापस लगा सकते हैं और इसको इस तरीके से खड़ा कर सकते हैं। अभी मैं गाड़ी के अंदर बैठता हूँ और आपको चेकआउट कराता हूँ। यहाँ पे आपको मिलेंगे पावर विंडो के कंट्रोल्स, यहाँ पे आपको सिल्वर की फिनिश, यहाँ पे भी आपको सिल्वर की फिनिश देखने को मिलेगी। सॉफ्ट टच मैगजीन होल्डर, बॉटल होल्डर, स्पीकर की ग्रिल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब बैठता हूँ मैं गाड़ी के अंदर, तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे गाड़ी के अंदर की फील एंड फिनिश है। सबसे पहले यहाँ पे आपको रिक्लाइन करने का, सॉरी आगे पीछे करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसके बाद रिक्लाइन करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इधर की साइड आप फिर इसको इस तरीके से रिक्लाइन कर सकते हैं। मैंने इस सीट को इतना ज़्यादा रिक्लाइन कर रखा है अपने हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको लाइट्स देखने को मिलेंगी, आगे की तरफ फेस थ्रोइंग अपने AC वेंट्स हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइटिंग देखने को मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी हेलोजन में मैप रीडिंग लाइट, ऐसी ही उधर भी देखने को मिल जाता है। आपको मिल जाता है ग्रैब हैंडल विद हुक। यहाँ पे बात करी जाए तो आपको यहाँ पे एक ट्रे देखने को मिलेगी जिस पर आप अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। उसके बाद इसको इस तरीके से बंद कर सकते हैं। सेंटर में एक आपको आर्मरेस्ट देखने को मिलेगा, उसके अंदर आपको कप होल्डर्स भी देखने को मिलेंगे। बहुत ही ऑटोमेटेड सी सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अगर मैं सीट पे बात करूं तो यहाँ पे आपको सारा ही फैब्रिक का टच देखने को मिलता है। ये है अपना इस तरीके से USB टाइप ए की कनेक्टिविटी, 12 वोल्ट के चार्जिंग सॉकेट की कनेक्टिविटी। दोनों ही तरफ आपको ट्रेस देखने को मिलेंगी। ये हो गई कहानी। यहाँ पे बीच में आपको थोड़ा सा हम्प देखने को मिलेगा जो आपको ज़्यादा परेशान नहीं करने वाला है। अब आता हूँ रियर एंड पे। रियर एंड से पहले यहाँ पे अगर बात करी जाए इसके फ्यूल टैंक के साइज़ की, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 50 लीटर का फ्यूल टैंक, 50 लीटर का आपको डीजल का टैंक देखने को मिलेगा। रियल व्हील ड्राइव है। उसके बाद यहाँ पे आपको ओपन डिस्क, इसके अंदर भी आपको ओपन डिस्क देखने को मिलते हैं। पीछे की तरफ आते तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे रियर एंड है, ठीक है। सबसे पहले बात की जाए ऊपर की तरफ, तो आपको शार्क फिन एंटेना देखने को मिल रहा है। हाई माउंटेड स्टॉपिंग लैंप यहाँ पे आपको मिलेगा। रियर वाइपर, डिफॉगर, टोयोटा का लोगो,
पूरी हेलोजन की यहाँ पे आपको लाइट का सेटअप देखने को मिलेगा। इनोवा क्रिस्टा की बैजिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद बात करी जाए तो यहाँ पे आपको चार रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने को मिलेंगे, 1, 2, 3, 4, दो रिफ्लेक्टर के साथ 2.4V की बैजिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब चलते हैं बूट स्पेस की तरफ। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको बूट स्पेस देखने को मिलेगा। इस तरीके से यहाँ पे आपको सेंसर लगा हुआ है, यहाँ पे आपको हेलोजन में देखने को मिलेगा, कैमरा की प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगी। ये है इसका बूट स्पेस। यहाँ पे आपका थर्ड अपना हेडरेस्ट है पीछे वाली रो का। यहाँ पे आपको एक लाइट देखने को मिलेगी, कैबिन लाइट। हर सीट पे सीट बेल्ट रिमाइंडर है। कुछ हुक्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस तरीके से कहानी हो गई। यहाँ पे आप इसको टांगने के लिए ऑप्शन है, यहाँ से इसको खींचेंगे ना रोप को तो ये आपकी टॉपल हो जाएगी और फिर आप इसको यहाँ पे टांग सकते हैं। इस तरीके से आपका टॉपल वॉपल का सिस्टम देखने को मिल जाता है। इसको पकड़ते बंद करते सबसे पहले, हाँ, इसका जो साइज है ना इसके बूट का वो रहने वाला आपका 300 लीटर का आपको यहाँ पे बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। इसको पकड़ के आप इस तरीके से बंद कर सकते हैं ईजी। यहाँ पे वापस से आते दूसरी तरफ तो यहाँ पे 55 लीटर का आपको फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। अब चलते हैं गाड़ी के आगे और बात करते हैं इसके इंजन की। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है अपना 2400 cc का इंजन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, चार सिलेंडर वाला किर्लोस्कर इंजन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो मैं उसको खोल के आपको चेकआउट कराता हूँ, उसकी पावर भी आपको मैं बताता जाता हूँ। तो आपको अगर उसको खोलना है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा उसको खोलने का। यहाँ से खोल सकते हैं फ्यूल लिड को, यहाँ से खोलेंगे अपने बूट को, अपने आगे के हुड को, ठीक। कुछ इस तरीके का यहाँ पे आपको इंजन बे देखने को मिलेगा। एक मिनट, ये है अपना इंजन बे, ठीक है। बहुत ही क्लीन इंजन बे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप DEF डलवाएंगे, 15 लीटर का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। इस तरीके का पूरा इंजन बे है। एक साइड की बैटरी है, क्लीन एकदम, कोई दिक्कत ही नहीं है इस चीज़ को लेकर। यहाँ पे इंसुलेशन है, ऊपर की तरफ रबर की बीडिंग वगैरह आपको देखने को मिल जाएगी। प्रॉपर थर्ड के साथ बंद हो गया। उसके बाद अगर बात करी जाए तो यहाँ पे आपको दो हार्ड वाइपर भी देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इसकी पावर की, पावर क्या रहने वाली है। अगर मैं इसके पावर की बात करूँ तो 147 BHP, मोटा मोटी बोले तो 150 BHP आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। उसके साथ अगर मैं टॉर्क की बात करूँ तो यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा आपको 343 Nm का टॉर्क, 343 Nm का टॉर्क आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, गाड़ी के अंदर चल के बात करते हैं। तो इस तरीके की चाबी है, सिर्फ आपको यहाँ पे जाकर रिक्वेस्ट बटन दबाना और अपनी जो गाड़ी है वो अनलॉक हो जाएगी। ये अपनी गाड़ी जो अनलॉक हो चुकी है। डोर पैनल पे बात करी जाए, जो अपनी हर पावर विंडो है वो आपकी 1 pinch अप एंड डाउन है, देख सकते हैं ए लिखा हुआ है सब पे। उसके बाद यहाँ पे अपना फोल्ड एंड फोल्ड का ऑप्शन है, ये अपना एडजस्टमेंट का ऑप्शन है, सिल्वर की फिनिश है, वुडन फिनिश आपको यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। बॉटल वाला मैगजीन होल्डर पीछे की तरफ से, आने वाली गाड़ियों के लिए एक वार्निंग लैंप आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे मिल जाएगा हाइट एडजस्टमेंट, यहाँ पे मिल जाएगा आपको रिक्लाइन का ऑप्शन, आगे पीछे करने का ऑप्शन, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। इस तरीके से कहानी होगी। अगर पेडल्स की बात की जाए तो कुछ इस तरीके से पेडल है, डेडिकेटेड डेड पेडल भी आपको देखने को मिलेगा। कुछ बटन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको DEF का बटन है, आगे सेंसर को बंद करने का, फ्यूल लिड खोलने का और आगे का हुड खोलने का बटन आपको देखने को मिलेगा। अब बैठता हूं मैं गाड़ी के अंदर, ये मैं आ गया गाड़ी के अंदर। अब मैं करता हूं इसको हल्का सा स्टार्ट। ये गाड़ी हो चुकी है अपनी बूट, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आपको वुडन फिनिश मिल रही है, उसके बाद यहाँ पे आपको वुडन फिनिश मिलेगी, यहाँ पे भी आपको वुडन फिनिश देखने को मिलेगी। इसको कर देते हैं बंद, इसको कर देते हैं कंटिन्यू, ठीक है। उसके बाद एयरबैग की बात करी जाए तो यहाँ पे आपको 7 एयरबैग्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बटन देखने को मिलेंगे इंफोटेनमेंट सिस्टम के, यहाँ पे देखने को मिलेंगे इसके MID के। MID को ब्राउज करने के लिए एक ये रिटर्न बटन दबाया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, FM, वार्निंग, सेटिंग्स, ठीक है। आई में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कितना आपने यहाँ पे अपना फ्यूल वगैरह निकाला है, सब कुछ निकाला है, ये सब देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टैकोमीटर और जो अपना स्पीडोमीटर है ना वो थोड़ा सा प्रीमियम साइड पे हो जाता है इसके अंदर। तो ये है अपना टैकोमीटर, ये है अपना स्पीडोमीटर, यहाँ पे मिलेगा फ्यूल गेज 55 लीटर का, यहाँ पे मिलेगा आपको टेम्परेचर मीटर। उसके बाद अगर बात करी जाए तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये जो प्रीमियम साइड पे लगता है, नीचे की तरफ एक घंटी दे रखी है जहाँ पे आप इसका यूज करके ट्रिप ए, ट्रिप बी और अपनी जो ब्राइटनेस है उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से कहानी होगी। यहाँ पे मिलेंगे वाइपर के कंट्रोल्स, यहाँ पे मिलेंगे आपको ऑटोमेटिक हेडलाइट विद अपनी आगे और पीछे की फॉग लाइट के कंट्रोल्स। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है इस तरीके से अपना स्टार्ट स्टॉप बटन, यहाँ पे मिलेगा कप होल्डर। उसके बाद यहाँ पे एसी वेंट्स के ऊपर से एक रनिंग क्रोम की पट्टी सी जाती देखने को मिलेगी। यहाँ पे क्लासिकल वॉच देखने को मिल रही है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा अपने इस तरीके से स्क्रीन जिसके अंदर आपको एंड्रॉइड और एप्पल का प्ले भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मिलेगा ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वाला AC, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सीट बेल्ट रिमाइंडर, 2024 का अपडेट है। इको पावर और नॉर्मल मोड आपको देखने को मिलेंगे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे कुछ कनेक्टिविटी के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलेगा, एक आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको 5-speed का मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको रिवर्स गियर पे अपना कैमरा भी देखने को मिलेगा इस तरीके से, ठीक है। ये जो गियर शिफ्टिंग है इसकी थोड़ी सी हार्डर साइड पे है, इतनी ज्यादा स्मूथ नहीं है। यहाँ पे बात करी जाए तो एक कप होल्डर है, मैनुअल हैंड ब्रेक है, यहाँ पे अपना इस तरीके से हैंड ग्लव, यहाँ पे एक अपना हैंड रेस्ट, उसके नीचे थोड़ा सा स्पेस, ये अपना स्लाइडिंग वाला नहीं मिलेगा, ये मिलेगा अपना कूल्ड, ठीक है। उसके बाद एक और नीचे कंपार्टमेंट देखने को मिलेगा जो आपका लॉकेबल है, उसके अंदर आपको थोड़ा बहुत सामान रखने के लिए स्पेस, और ये है इसके अलॉय के कैप्स,
देख सकते हैं ये जब डिलीवरी जाएगी ना गाड़ी तब इसके अंदर लगा दी जाएंगे। यहाँ पे आपको मैनुअल देखने को मिलता है। उसके बाद बात करी जाए तो यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर मिलेगा, ये है अपनी हेलोजन की लाइट्स। उसके बाद यहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइटिंग देखने को मिलेगी, टिकट होल्डर आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर विद वैनिटी लाइट आपको देखने को मिलेगी, सेम टू सेम आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा वैनिटी मिरर विद वैनिटी लाइट। इस तरीके से यहाँ पे कहानी हो जाती है पूरी की पूरी। यहाँ पे आपको वुडन फिनिश मिल रही है, यहाँ पे भी आपको थोड़ी सी वुडन फिनिश देखने को मिलेगी। इस तरीके से यहाँ पे इस चीज इनकी कहानी हो जाती है। अब एक बार मैं आपको इसके अंदर चेकआउट कराता हूँ क्या क्या देखने को मिलता है। तो ये अपना देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जो गाड़ी जैसे चलाई है ना वो इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको लेदर की स्टिचिंग विद उस पर ब्राउन कलर की यहाँ पे स्टिचिंग देखने को मिलेगी। SRS एयरबैग की बैजिंग और हॉर्न सुनाऊं TPP वाले आपको दो डुअल हॉर्न आपको देखने को मिल जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पे इसकी कहानी हो जाती है। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, प्राइसिंग क्या रहने वाली है। अगर मैं इसकी एक शोरूम कॉस्ट की बात करूँ तो ये एक शोरूम कॉस्ट करती है आपकी 24.5 लाख रुपए, 24,50,000 रुपीज जो है इसकी एक शोरूम कॉस्ट है, ठीक है। वहीं अगर मैं इसकी ऑन रोड कॉस्ट की बात करूँ तो अभी मैं हूँ आगरा में यूपी में और ये यहाँ पे आया हूँ आपका सनी टोयोटा पे। स्पेशल थैंक्स टू देम जिन्होंने मेरे को गाड़ी प्रोवाइड करी और अब तक जो मैं इन्फॉर्मेशन वीडियो पहुँचा पा रहा हूँ। तो ये यहाँ पे आपकी ऑन रोड कॉस्ट करती है 29,56,000 रुपए की, 29,56,000 रुपीज है इसकी ऑन रोड कॉस्ट है यहाँ आगरा में यूपी में। तो कैसी लगी गाड़ी, कैसी लगी वीडियो में वो कमेंट जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई कार बाइक या गाड़ी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।